सहबाजपुर पंचायत करहटिया गांव में बजरंग दल के सदर प्रखंड संयोजक सुरेंद्र साहनी और उनके कार्यकर्ता के नेतृत्व में जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में शाहबाजपुर पंचायत करहटिया गांव की बाढ़ का जायजा लिया गया, जिसमें स्थिति बहुत ही खराब नजर आई। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि बिहार सरकार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अन्य प्रकार की विधि व्यवस्थाओं का आवंटन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन किसी भी बाढ़ विस्थापित परिवार को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं सवाजपुर से मेन रास्ता पर कुछ झोपड़पट्टी के लोग रह रहे हैं, जहाँ उनको लाइट की अति आवश्यकता है और पन्नी भोजन की आवश्यकता है, जो अभी तक उनको नहीं मिला है। इस पर जिलाधिकारी को विचार करना चाहिए। वार्ड क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को सरकारी स्कूल के माध्यम से सुबह शाम पूरे परिवार को भोजन खिलाने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं होने से वहां के लोगों में आक्रोश भरा है। वहीं इस निरीक्षण में उपस्थित जिला वार्ड संयोजक पंकज बारी, पवन, मनोज, सुरजीत, आयुष, अमरीश, राहुल, विजय, अर्जुन, हरिओम और दर्जनों कार्यकर्ता इस निरीक्षण में उपस्थित थे। घुस गया है, पूरा सड़क जाम है और ऊपर से भी बारिश हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग माल लेकर के, जाल लेकर के सब लोग, न सरकारी व्यवस्था कोई, न वार्ड मेंबर, न मुखिया, न सरपंच, अब तक कोई नहीं आया है हम लोग के देखने। खाली आया है गाड़ी से और फोटो वोटो लेकर के जाते हैं, मरैया का फोटो लेते हैं, पानी का फोटो लेते हैं, सबका फोटो लेकर के जाते हैं। पहचानते कितना आदमी आते हैं, कौन आता है कौन जाता है। वो रोड पर कल दो आदमी आए थे, वहाँ से फोटो वोटो लेकर के चले गए। तो अभी तक जो है आपदा वाला किसी प्रकार के सामग्री मुहैया नहीं हुआ आप लोग को? कुछ नहीं।